गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हमारी पोएम नंबर 2, जो कि आपकी इंग्लिश की 10th क्लास लिटरेचर बुक्स में से सीबीएसई इंग्लिश 10th क्लास लिटरेचर बुक्स में से पोएम नंबर 1 द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, हमने जैसे स्टूडेंट्स उसके समरी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन ऑफ द पोएम अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, आज मैं इसी पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं. ये हमारी जो पोएम है, दिस पोएम नंबर 1, जो कि आपकी इंग्लिश लिटरेचर सीबीएसई 10th क्लास की बुक्स में दी हुई है, इसमें जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं इस पोएम में, आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी. ऑन एंड ऑन इसमें हमारी 6 लिटरेरी डिवाइसेस हैं. देयर आर 6 लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करते हुए मैंने आपको जब ऑजिमेंडियस पोएम जो मैंने उठाई थी उसमें मैंने लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड आपके साथ इसके लिटरेरी डिवाइसेस की मैंने डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस की थी. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन द पोएम दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू. अब लिटरेरी डिवाइसेस जो यहां पे 6 बताई हुई हैं, उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली लिटरेरी डिवाइस है दैट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सनेंट साउंड्स. जैसा कि सबको पता है, ये बहुत कॉमनेस्ट सॉर्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइस है. इट मीन्स द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सनेंट साउंड्स. इसमें आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आपकी बुक में ही दी हुई है. सबसे पहले तो 4th लाइन दैट इज गिवन, ही क्रूक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ही क्रूक्ड ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन. This is the repetition or you can say alliteration in this very statement that has been taken from the particular extract in your poem. Now we come to the second type of literary device, that is allusion. Allusion means aap is tarike se likh sakte hain that just to compare, एक इस तरह की नोशन माइंड में डालना जो कि एक्चुअल में ये है ही नहीं है. एज इफ द नाइटिंगेल बिलीव्स द इल्यूजन क्रिएटेड बाय द फ्रॉग. That frog himself compares to Mozart, a famous classical composer. इसमें से जो हम एग्जाम्पल के तौर पे इस पोएम में से जो हम लाइन ले सकते हैं दैट इज एंड यू आर मोजार्ट इन डिसगाइज. दिस इज द एग्जाम्पल लाइन. यू आर मोजार्ट इन डिसगाइज एंड कम्स टू अर्थ टू गाइड मी, लाइक इन दिस वे हु कम्स टू अर्थ before my eyes.
This is the best example of illusion. Now we come to the third kind of literary device, that is anthropomorphism. Now what does it mean? Iska meaning batate hue, it means that all the animals and birds are compared to the human being's behavior and attitude. Iski aap best example de sakte hain. Like every character in this poem is a morphosized. Aap iski example book mein se dekh ke bhi dekh sakte hain, that the different birds and animals who used to collect themselves, who used to gather to listen to the beautiful, sweet and melodious song of the nightingale. Like this way you can give the example. Now we come to the fourth kind of literary device, that is, it is anastrophe. Now what is anastrophe? Anastrophe, that is, the poet Vikram Seth, he has very beautifully depicted, in which a typical order is used, and he has very beautifully depicted that order, the joy, both sweet and bitter. He has not taken the sentence, he has not taken the statement in that very extract, like in this way, it is something sinister about the frog, that nightingale, she believes out of her innocence, apne bhole par on, apne bhole pan aur jaise masoomiyat ki wajah se, wo frog ki baaton mein aa gayi aur usne uski जो छल कपटी और विकेट बातों को वो समझ ही नहीं पाई और इस तरीके से इन विच टिपिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर स्विच्ड इज अ टिपिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर स्विच्ड. अब इसमें जो विक्रम सेठ ने एक सेंटेंस को लेने की कोशिश की है, दैट इज बिटर स्वीट जॉय इन प्लेस ऑफ, अब इसमें जो एग्जाम्पल है बिटर स्वीट जॉय की जगह पे उसने जो कोटेशन ली है, दैट इज जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर. ये जो आपकी पोएम में से एक लाइन है उसने इस तरीके से ली है, That is why it is sweet. ये मैंने अपने एक लेक्चर क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन था मैंने उसमें भी ये आपका क्वेश्चन है, उसमें स्वीट क्यों था, why he was sweet towards nightingale, because he wants to use nightingale's voice. वो nightingale की आवाज को इस्तेमाल करना चाहता था अपने फायदे के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आ सके और उसके गाने सुन सके और पैसा वो कमाए, उस पैसे का जो मुनाफा है वो फ्रॉक को मिले. दैट इज वाई ही वॉज स्वीट टूवर्ड्स नाइटिंगेल. एंड वाई ही वॉज बिटर बिकॉज आउट ऑफ जेलसी, वो कहीं ना कहीं वो नाइटिंगेल का नुकसान करना चाहता था. वो ये चाहता था कि नाइटिंगेल को मैं बहुत हाई पिच पे उसकी मैं आवाज लेके जाऊं और जो उसकी डेलिकेट विंग्स हैं, इन द एंड इट वॉज अ ट्रेजिक एंड ऑफ द नाइटिंगेल, जिसकी वजह से हाई पिच पे उसकी आवाज को ले जाकर और कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत डेलिकेट वोकल वेन उसकी बर्स्ट हो जाती है एंड शी डाइज ऑन द स्पॉट वाइल सिंगिंग. सो ये उसका आउट ऑफ जेलसी एक पॉइंट था और स्वीट उसका था बिकॉज वो एक तरह से साइकोफेंट बनके चापलूसी करके वो उससे
अपना मुनाफा कमाना जाता था। तो इस तरीके से एनास्ट्रॉफी का मतलब जो है यहाँ पे पोएट ने, विक्रम सेठ ने जो यहाँ पे यूज किया है, उसने इसी स्टेटमेंट को इसी तरीके से लिया है, लेट द जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर इन स्पाइट ऑफ यूजिंग लाइक दिस विद दैट बिटर स्वीट जॉय, इकट्ठा इस तरीके से लेने से उसने इस तरीके से ये एनास्ट्रॉफी लिटररी डिवाइस यूज करके विक्रम सेठ ने अपनी पोएम को ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाया ताकि रीडर्स को, हमारे जैसे लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे। नाउ वी हैव गॉट द फिफ्थ काइंड ऑफ दैट इज द राइम स्कीम। अब इस राइम स्कीम को देखते हुए अगर हम करें तो राइम स्कीम, द पोएम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, यू कैन से, पेयर्ड कपलेट्स। पोएम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड कपलेट्स। Paired couplets and the rhyme scheme of this poem is, that is A A A B B C A A B B C C. So this is the example of the rhyme scheme. Now we come to the last but not the least. It is Archetype. What is archetype? It is a concept which has been used time and again and over and over. अब ये एक तरह से archetype में जिस तरीके से हम दे, because it works so well, essentially it is a prototype. आर्केटाइप को हम उस तरीके से लेके चल सकते हैं दैट इट टेल्स द स्टोरी बिकॉज इट इज एन एलिगोरी इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूजिकल टोन। एक तरह से म्यूजिकल टोन को यूज करते हुए इस पोएम को जैसे गा के गाया गया है, सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप। वॉट इज अ प्रोटोटाइप? दैट वी यूज टू डू इन फेयरी टेल्स। कोई भी फेयरी टेल जब हम सुनाते हैं, prototype is in fact a fairy tale which starts like this, that once upon a time. So this archetype, it has been the words used over and over and again and again. Again and again and over like this type of ye words jo use kiye jate hain, this is known as archetype. और ये एक तरह से archetype को हम prototype भी कह सकते हैं। हम prototype क्यों कह सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे फेयरी टेल कोई भी हम सुनाते हैं, कोई भी परियों की कहानी जब हम सुनाते हैं, एक था राजा, वंस अपॉन ए टाइम, सो एक बार की बात है, एक था राजा, जब हम ऐसे करके कोई भी अपनी स्टोरी हिंदी या इंग्लिश में जब हम उसको ट्रांसलेट करके हम बताते हैं, सो दैट इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज इक्वल टू आर्केटाइप एंड द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, जो कि हमारा इसमें राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम्पल है, वो दिया हुआ है वंस अपॉन अ टाइम। हमारी पोएम इसी लाइन से स्टार्ट होती है। सो आर्केटाइप एक तरह का ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि इस पोएम में विक्रम सेठ ने यूज किया है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सिक्स टाइप्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दिस रिस्पेक्टिव पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल रिटन बाय विक्रम सेठ। ये तो हुई हमारी लिटरेरी डिवाइसेस।
अब हम अपने अगले लेक्चर में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. टिल देन थैंक यू.